व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू माय किचन। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट रबड़ी। इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी लाई हूँ आज आपके लिए। देखिए क्या क्या सामान लगेगा हमें इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए। दो ब्रेड स्लाइस लिए मैंने और उनकी एजेस काट दिए हैं, क्योंकि ब्राउन एजेस हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे लिए वाइट ब्रेड चाहिए। तो इसमें दो ब्रेड पीसेस के साथ मैंने लिया है एक ग्लास दूध का। ये है ड्राई मिल्क पाउडर, थोड़ा दूध लगेगा हमें, जिसको मैंने ल्यूक वार्म कर लिया है। गुनगुना दूध लेंगे हम अपना मिल्क पाउडर जो है उसकी पेस्ट रेडी करने के लिए। शुगर डालेंगे स्वाद अनुसार, इलायची पाउडर है और पिस्ता लिया है मैंने रबड़ी में डालने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो ब्रेड स्लाइसेस हैं इनको मैं ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लूँगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए इसका मैंने पाउडर बना लिया। ये बहुत आसानी से आपके मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह का पाउडर बन जाता है ब्रेड से। और ये मिल्क पाउडर जो था उसका भी मैंने पेस्ट रेडी कर लिया इस तरह से। मिल्क पाउडर डालने से हमारा जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और टेक्स्चर भी बहुत अच्छा हो जाता है रबड़ी का। ये वो दूध का गिलास मैंने आपको बताया था, एक दूध का गिलास लगेगा, उसको मैंने गर्म करना रख दिया था। अब मैं इसमें हमारी जो ब्रेड है वो ऐड कर रही हूँ। इसमें ब्रेड डाल देंगे और इसके साथ साथ मिल्क पाउडर का पेस्ट है जो वो भी मैं डाल रही हूँ। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, आंच धीमी कर दें और अब हम इसको पकाएंगे। ये इतनी मज़ेदार रबड़ी बनती है कि आप किसी को खिलाएंगे तो वो बता ही नहीं पाएगा कि ये रबड़ी आपने ब्रेड से रेडी की है। और बहुत जल्दी रबड़ी बनके तैयार हो जाती है, हार्डली 10-15 मिनट्स में आपके पास मज़ेदार रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 10 मिनट में मुझे कितनी अच्छी रबड़ी मिली है जो मैं चटपट बनाई आपके लिए। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ शुगर, इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे और दो मिनट और पका लेंगे। और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें इलायची पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इलायची डालने से। लीजिए दोस्तों, रबड़ी हमारी रेडी है। देखिए कितनी अच्छी रबड़ी बनी है, ये अभी गर्म है, ठंडी होने के बाद इसका टेक्सचर और भी अच्छा हो जाता है। आप भी ट्राई करें, आई होप यू लाइक द रेसिपी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कोशिश करूँगी कि आपको और भी अच्छी अच्छी इसी तरह की रेसिपीज़ बताती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ट्यूनिंग टू कुकिंग विद शाइन। थैंक यू।